डेप्रिसिएशन के रेट क्या हैं? अब सबसे पहले टैक्स डेप्रिसिएशन के रेट देख लेते हैं। बिल्डिंग का जो रेट है वो 10% है ऑफ द कॉस्ट, जितनी उसकी नेट कॉस्ट होगी। फर्नीचर फिटिंग वगैरह के ऊपर 15% है। कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें सारे प्रिंटर, मोबाइल, अलाइड आइटम्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, तो आईटी से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारी 30% के ऊपर हैं। इसके बाद जो है मिनरल और ऑयल कंसर्न्स, जो बिलो ग्राउंड इंस्टॉलेशंस होती हैं, जो आपको पता है कि ऑयल की कंपनीज हैं जितनी भी, उनकी बिलो ग्राउंड जो इंस्टॉलेशंस होती हैं 100% है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन की इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है, इसके अलावा रैंप वगैरह अगर आप बना के देते हैं डिसेबल पर्सन के लिए, जिसमें तकरीबन हर रैंप की जो कीमत है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उसके ऊपर जितनी भी ख़र्चा आपको आएगा वो सारे का सारा ख़र्चा जो है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसी साल क्लेम कर सकते हैं जिस साल आप बनाएंगे। तो ये डेप्रिसिएशन के रेट्स हो गए। डेप्रिसिएशन आप समझ चुके हैं कि एसेट्स के ऊपर होता है, जो फिज़िकल एसेट्स हैं उनके ऊपर होता है।